शांति। मीठी मीठी प्यारी प्यारी आदरणीय श्रद्धेय गुलजार दादी के विषय में ये बात पहले बताना चाहूँगी कि दादी जी का जो नाम है वो नाम ही गुणवाचक है और कर्तव्यवाचक है। दादी का नाम गुलजार, गुलजार कहते हैं एक खिले हुए पुष्प के बगीचे को, या फिर ये कह दें कि एक ऐसी ऋतु जिस ऋतु के अंदर सारे पुष्प, चाहे वो पुष्प किस भी क्वालिटी का हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो पुष्प खिला हुआ होता है और खिल उठता है। तो दादी जी का नाम गुलजार, अर्थात दादी एक ऐसा बेहद विश्व का, बेहद का चमन थी, बाग थी, बगीचा थी, जिसके अंदर सारे पुष्प वैरायटी खिले हुए थे। अर्थात जो भी दादी जी से मिलता था, दादी के संग में आता था, या दादी के दृष्टि से जब वो अपनी दृष्टि मिलाता था तो उसको दादी नहीं दिखेगी, परंतु दादी के अंदर पूरे ही एक बहार का साक्षात्कार होता था, यानी एक पूरे खिले हुए बगीचे की तरह दादी दिखाई पड़ती थी। जैसे खिला हुआ पुष्प अति सुंदर लगता है, मन को भाता भी है। क्यों भाता है? क्योंकि उस पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ियाँ जैसे हमारे साथ साथ मुस्कुराती हैं, ताज़ी होती हैं, हरी भरी होती हैं, और उसके अंदर खुशबू होती है। उसके साथ साथ वह पुष्प रूप, रंग, गुण, और यदि उसको देखा जाए तो कई कई पुष्प तो ऐसे भी होते हैं जो मुरझाने के बाद भी काम में आते हैं और वो अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प ही ले लो, तो दादी हमारी गुलजार, गुल का अर्थ होता है गुलाब, तो दादी हमारी वो चमन थी, वो बाग थी, जिसमें अनेक पुष्प खिलते थे, रूप रंग सुगंध लिए जो भी दादी को मिलने आते थे, दादी को क्या देखते थे, जैसे कि वो खिल उठते थे। दादी के बोल क्या सुनते थे, जैसे कि उनकी वरदानों से झोली भर जाती थी। दादी की दृष्टि क्या लेते थे, जैसे कि वो प्रभु की नज़रों से निहाल हो जाते थे। क्योंकि दादी में बाबा की प्रविष्टता थी, न सिर्फ शिव बाबा लेकिन विश्व पिता, जगत पिता ब्रह्मा बाबा की भी सोल साथ में हुआ करती थी। अर्थात हम संगम युगी ब्राह्मण तो यही कहेंगे कि बाप दादा हमारी दादी गुलजार में पधारते थे और उनके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान की मुरली सुनाते थे। तो दादी हमारी गुलजार थी, और उसके साथ साथ दादी का दूसरा अव्यक्त नाम, जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया तो सिंध कराची में जब 14 वर्ष वहाँ रहे, तो वहाँ पर फिर बाबा ने क्या किया कि जो भी वहाँ समर्पित बहने थी, भाई थे, उन्हों को एक अलौकिक नाम दिया, और वो नाम में दादी को ये नाम मिला, हृदय मोहिनी। कितना सुंदर नाम, कितना अर्थपूर्ण, कितना भावपूर्ण और कितना यथोचित। हृदय माना हम सभी जानते हैं, हृदय में हमारे शिव बाबा रहते हैं, हृदय में हर कोई का प्रिय जन बसता है, हर कोई अपने अति अधिक प्रिय जन को हृदय में बिठाते हैं, और जो हृदय में बैठता है या हृदय में बसता है वो हमारी स्मृति में भी उसी प्रकार निरंतर रहता है। तो दादी का नाम था हृदय मोहिनी। तो हरेक के हृदय को
मोहने वाली, मोहित करने वाली, क्योंकि दादी में बाप दादा थे। परंतु समझो बाप दादा नहीं भी आते तो भी दादी की ये एक अपनी विशेषता थी कि दादी स्वयं इतने गुणों से भरपूर थी कि हर एक दादी के पास आते थे तो अपना हृदय दादी को जैसे कि दे देते थे। यानी दादी हर एक के हृदय को मोहित कर लेती थी। तो ये तो था दादी के नाम का महिमा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो दादी के जो गुण थे, दादी के जो स्वभाव की विशेषता थी और दादी के संस्कार में जो संस्कृति थी, हम उसके विषय में भी सोचेंगे। दादी के अंदर जो गुण थे उन गुणों की लिस्ट तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि दादी मास्टर गुणों का सागर थी। गिनती उसकी की जाती है जो हद में हो। दादी तो बेहद की मास्टर गुण सागर थी। तो दादी में तो अनेकानेक गुण थे। जो व्यक्ति, जो आत्मा उनके संग में आवे वो उनके किसी न किसी गुण के रंग में रंग जावे। अच्छा, दादी की सबसे मुख्य विशेषता थी कि दादी सदैव ऐसे दिखती थी जैसे वो अपने शांति के स्वधर्म में स्थित, शांति धाम निवासी हूँ की सिमरती, और शांति के सागर पिता की मैं शांत स्वरूप संतान आत्मा हूँ, जैसे ये दादी की एक सिमृति जो थी वो नेचुरल थी। और उस नेचुरलिटी का प्रभाव दादी के व्यक्तित्व पर था, दादी के चेहरे पर था, दादी के नेत्रों में था। और वो नेत्र और चेहरा जो भी दादी के समीप जाते थे उन्हें वो स्पष्ट दिखाई पड़ता था, स्पष्ट समझ में आता भी था। और दादी के पास जब वो बैठते थे तो दादी की इस शांत लेकिन मीठे मीठे बाप दादा की याद की मुद्रा में जो आकर्षण थी, वो आकर्षण तो कुछ और ही थी। कोई भी उससे वंचित रह नहीं सकता था, कोई भी उस आकर्षण से बच नहीं सकता था। और वो आकर्षण हर एक को दादी का बना के छोड़ती थी। इसका मतलब दादी से जो भी मिलता था उसको दादी अपनापन ऐसा देती थी, इतना उनसे आत्मिक स्वरूप से प्यार करती थी, रूहानी स्नेह देती थी, जो वो बाबा के बन जाते थे। और जो बाबा का बना वो दादी में पधारे हुए बाप दादा को कैसे नहीं पहचानते। तो दादी के नेत्र ही जैसे बाप दादा के नेत्र थे, मुझे तो जैसे कि बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। साकार में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा थे और शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा थे। हमारे पास कोई भेद नहीं था कि ये ब्रह्मा, ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा के महावाक्य, ये शिव बाबा के महावाक्य। इस भेद को हमने कभी समझा क्या, लेकिन हमारे चित्त में भी नहीं आया। तो स्वप्न में सोचों की तो बात ही दूर रही। तो दादी का भी ऐसा ही अनुभव हमारा रहा। हमने कभी नहीं ये सोचा, न समझा, न हमको कभी ये संकल्प आया कि बाप दादा दादी में आते हैं। हमारे लिए तो गुलजार दादी ही बाप दादा थी और बाप दादा ही गुलजार दादी। अब आप कहेंगे बाप दादा कैसे गुलजार दादी। चलो गुलजार दादी तो बाप दादा हो कहेंगे क्योंकि बाप दादा की पधरामणी उसमें होती थी। परंतु बाप दादा में गुलजार दादी, हाँ, क्योंकि गुलजार दादी बाप दादा के अंदर समाई हुई थी। बाप दादा शब्द बोलने से ही, अभी भी आप देखो बोलो अव्यक्त बाप दादा, आप सिर्फ स्मृति में लाओ तो आपको कौन दिखाई पड़ेगा। अव्यक्त बाप दादा कहने से प्यारी प्यारी गुलजार दादी की
सुंदर सुहावनी हृदय को मोहने वाली मूरत ही दिखाई पड़ेगी। तो ये दादी के सर्वश्रेष्ठ गुण की निशानी। और दादी इतनी शांत चित्त होने के कारण गंभीर भी बहुत दिखाई पड़ती थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दादी रमणीकता नहीं जानती थी। दादी जितनी गंभीर थी उतनी रमणीक भी थी। दादी के पास हर गुण शक्ति का बैलेंस था और हर बैलेंस में दादी चलती थी, इसलिए दादी कभी देखो तो जैसे न्यारी की न्यारी दिखे और फिर प्यारी की प्यारी दिखे, और कभी देखो तो पहले प्यारी लगे और फिर थोड़ा ध्यान से समीप आकर के उनको समझें तो ऐसा लगे कि दादी तो सबसे न्यारी और निराली है। और हकीकत में भी ऐसा ही था। और ऐसा होने का मुख्य कारण जानते हो, समझते हो? दादी जो है ना, कभी भी मैं आज लगभग 55-60 साल से दादी के समीप काफ़ी रही हूँ, तो मैंने कभी भी दादी के मुख से किसी के नाम से भी कोई अवगुण वर्णन करते नहीं सुना। कभी दादी के मुख से किसी का परचिंतन या परदर्शन करके हमें सुनावे या किसी और को बताती हुई मैंने दादी को कभी नहीं देखा। सदैव दादी सभी के गुणों का वर्णन ही सुनाती, सदा जैसे स्वचिंतन में मग्न दिखाई पड़ती। ओम शांति।